दो दिन पुरानी बात है, मैं आपको पोको M2 Pro के ऊपर एक चार्जिंग टेस्ट की वीडियो बनाया था। बेसिकली आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि कितना ज़्यादा टाइम लेता है चार्जिंग टेस्ट के ऊपर एक वीडियो प्लीज़ डाल दो। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आपकी बात मान के एक वीडियो बना ही देते हैं। और मैंने पूरे एक घंटे की मेहनत लगा के पूरा लाइट वाइट सेट किया, डुअल कैमरा सेटअप बनाया था मैंने। तो ये सब करने के बाद इसकी बैटरी परसेंटेज से जीरो, और मैंने जैसे ही इसके अंदर चार्जिंग केबल लगाया चार्ज करने के लिए कट गया, चार्ज क्यों ले रहा चुप। और ये कांड होने के बाद गाइस मेरे को ऐसा लगा कि अब यार कंटेंट तो गया हाथ से, ऊपर से चार्जर भी ख़राब हो चुका है, 3 दिन पुराना फ़ोन है भाई, क्या लॉस हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपने सारे इमोशंस दुख दर्द को वहीं पर रोका और बोला कि भाई जब एक यूट्यूबर्स के पास से एक कंटेंट जाता है तो 3-4 कंटेंट आते हैं। और इसीलिए इस वीडियो में बात कर लेंगे पोको M2 Pro के सर्विस सेंटर के बारे में, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई इस फोन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक घंटे मेहनत सब पानी में निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में सारा आप शेयर वेयर कर देना, उसके बाद भी सारा मेहनत मेरा वापस आ जाएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे हैं techoop.com और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, नो इंट्रो। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ क्या पता अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ आई केयर। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जब भी चार्जर ख़राब हुआ, ये मेरा चार्जर पड़ा हुआ देखो अभी यहाँ पे, आपको इसका पन्नों ने सब उतारा नहीं था मैंने। तो उसके बाद एक जिम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते मैंने आपको एक ट्विटर पे पोस्ट किया कि मेरा पोको M2 Pro का चार्जर ख़राब हो गया है, और आपको स्टोरी में पोस्ट किया था यूट्यूब की, अभी भी स्टोरी होगी शायद एक हफ्ते तक रहती है। तो उसके बाद मैंने आपको पोको को टैग किया, कोई लिटरल रिस्पांस नहीं था इनका, लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं मेरे को मालूम है क्या करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आपको दो ऑप्शन थे, एक था रिटर्न कर दो या फिर आपको सर्विस सेंटर से सर्विस ले लो। तो अगर मैं अमेजोन से रिटर्न कर देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि मोबाइल साथ लेके जाता बंदा और मोबाइल पे कोई कंटेंट मैं नहीं बना पाता, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जब मैंने 15,000 रुपये खर्चा किया है एक मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अमेजोन से एक बार रिटर्न करा लो, नया पीस ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि कस्टमर केयर सेंटर जाते हैं। सो कोरोना के इतने सारे डर के बाद भी मैं निकल चला था मुंह पे मास्क लगा के MI के सर्विस सेंटर। सो सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है, और दूसरा आप मास्क वास्क लगा के जाना है। लेकिन मैंने आपको अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, मुझे पता नहीं था। मैंने आपको बताया कि भाई एक्सेसरीज खराब हो गया, 3 दिन पुराना फ़ोन है, और उसने ऐसा देखा भी पोको M2 Pro है क्या, तो मैंने बोला हाँ भाई पोको M2 Pro 3 दिन पुराना फ़ोन है और जल्दी से ख़राब हो गया। तो उसको भी मेरे पे दया आई थोड़ी बहुत। सो उसने मेरा केस थोड़ा सा ज़्यादा इमीडिएटली हैंडल किया, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात यह कि आपको इनवॉइस चाहिए होगा, और जो भी आपको एक्सेसरीज ख़राब होती है ऑफकोर्स आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। तो मैंने उसको दिया, उसने बोला कि हाँ भाई चार्जर ख़राब है आपका। और उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो 1 घंटे का वेट जो किया मैंने, तो उसे मैंने बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टिंग ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको हल्का सा जुगाड़ लगाया, मैंने कॉल लगाया अपने फ्रेंड को, और आप आके देखो यहाँ बैठा हूँ सर्विस सेंटर में, तो ये लोग बता रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है सामान, ठीक है, तो मतलब कि 33 वाट वाला चार्जर अवेलेबल नहीं इनके पास, और अडेप्टर ख़राब निकल मेरा। तो फिर क्या हो, 1-2 दिन पता वही तो नहीं बता रहे हैं कि अवेलेबल कब होगा, लेकिन ऐसे कुछ सीन है कि 3-4 दिन में होगा कुछ होगा ऐसे। फ़ोन सब सही है। हाँ अच्छा ठीक, जॉब से है, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी सही मेंटेन किया है, ऐसे बीच बीच में किस स्पेस है सही मेंटेन किया है सही। सो गाइस अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को 2-3 चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सबसे पहला जो उनका स्टाफ था काफ़ी पोलाइट था, और होपफुली सारे स्टाफ ऐसे होंगे। और दूसरा यहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंस काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ था, तो ये दो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेरा जब नंबर आता है तो बंदे ने बोला कि भाई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, और स्टॉक में लाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट में मेरे को लगेगा 2 से 7 दिन, 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब बात करते हैं निगेटिव चीज़ की। सबसे पहले बात, ऑनलाइन अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है, तो मैंने भी बोला कि भाई यहाँ पे कोविड चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम ड्रॉप करवा दो, क्योंकि भाई मैं दोबारा आऊँगा कि आप परेशानी कर रहे हो मेरे को। तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, बोला कि भाई आपको आना ही पड़ेगा, आके ये लेके जाओ। तो कोविड में उतना ज़्यादा ध्यान ये लोग नहीं रख रहे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं था, जो कि एक गड़बड़ सी बात है, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये लगी कि कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरा तो प्राइमरी डिवाइस नहीं है, तो मैं आपको आराम से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपका प्राइमरी डिवाइस है
तो यहाँ पे कोई भी चार्जर प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। मैंने बोला कि अगर मैं वापस आ ही रहा हूँ तो चार्जर दो 20 वाट का 10 वाट का 15 वाट का कुछ भी चार्जर दो कि मैं उसको चार्ज कर सकूँ फ़ोन को। कोई भी अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे 2 से 7 दिन के अंदर कॉल वॉल आएगी। अगर कॉल आएगी और कुछ भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा स्टोरी में, क्योंकि 7 दिन तक मैं वेट नहीं कर सकता था कि आपको मैं बताऊँ। इनकी सेल आना शुरू हो चुकी है और प्रोडक्ट के बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दिल्ली का सीन ऐसा है, क्या पता कहीं और का कुछ और सीन हो सकता है। और स्टॉक में अगर दिल्ली में नहीं है तो 100% पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होगा। तो ये थी मेरी पोको M2 Pro के सर्विस सेंटर जाने आने की दुख भरी कहानी। और मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि मैं कोरोना में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता हूँ। लिटरल सब्जी लेने के लिए बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो हाँ, ऐसे कुछ सीन है। तो इस उल्टे इतने था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। और पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी पोको M2 Pro के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको कंपैरिजन वीडियो भी आएगी और बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड है। उसके लिए आप वेट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। कुछ भी सजेशन तो कमेंट में बता सकते हो। बस इस वीडियो को लिखने था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।